अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास थ्री. इसका हमारा टॉपिक है द प्लांट, यूनिट नंबर थ्री है और इसका लेक्चर भी हमारा कौन सा है, थर्ड वाला है. बुक पेज नंबर 20 आज हमने करना है. पहले हमने बुक पेज नंबर 19 से फोटोसिंथेसिस के अबाउट किया था कि प्लांट्स किस तरह से अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. आज हमने पढ़ना है कि जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है. ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं एयर में उसको हम यूज कर लेते हैं. अब इसी तरह से है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हम अपनी बॉडी से निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स किस तरह से यूज करते हैं, और अगर प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज ना करेंगे तो इसके फिर क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है. तो वो पेज नंबर 20 पर इसके अबाउट मेंशन है कि जब ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो फिर क्या होता है, उस ऑक्सीजन गैस को एनिमल्स जो है वो ब्रीथिंग के लिए यूज कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब उसको हम लोग अपनी बॉडी से एक्सहेल करते हैं तो प्लांट्स उसको यूज करते हैं और फिर उसका क्या फायदा होता है. तो अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है. इसका भी ये फायदा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही वार्म गैस होती है, यानी कि बहुत गर्म गैस होती है, और अगर जो है प्लांट्स इसको यूज ना करें तो फिर क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ना ले वो और उसको एनर्जी में कन्वर्ट ना करे और ऑक्सीजन भी उसको ना कन्वर्ट करे, यानी कि अपनी फूड बनाने के प्रोसेस में उसको यूज ना करें, तो फिर जो हमारा प्लेनेट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाए और लाइफ जो है इस पर वो इतनी पॉसिबल ना रहे, यानी कि रहना इंसानों के लिए फिर मुश्किल हो जाए. क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है, सहरा वगैरह, डेजर्ट जो होते हैं वहां पर क्या है, वहां चूंकि प्लांट्स कम होते हैं, फोटोसिंथेसिस कम है, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी तो वहां पर रहना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वहां पर इन्वायरमेंट बहुत गर्म होता है, ठीक है, तो इतना सूटेबल नहीं होता हर किसी के लिए. तो यही वजह है कि अगर प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज ना करें एज अ फूड एंड एनर्जी तो फिर क्या होगा, हमारा प्लेनेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो इम्पोर्टेंस थी उसके अबाउट था. अब इसी पेज पर आगे एक्टिविटी टाइम आ रहा है. आप अपनी बुक खोलें, देखें एक्टिविटी टाइम. इसमें आपने क्या करना है, आपको चाहिए क्या होगा, आपको एक लीव चाहिए होगा, ठीक है, सॉरी एक प्लांट चाहिए होगा जिसके ऊपर बड़े बड़े से लीव्स हों, ठीक है, इसके लीव जो है वो बड़े हों, और अगर वो कहीं बाहर जगह पर है जहाँ पर वो नेचुरल तौर पर ग्रो कर रहा है तो आप बेशक वहीं उसको रहने दे, वहीं उसको ऑब्जर्व कर ले. आपने इसमें करना क्या है, आपने लीव प्लांट के जो लीव है, ठीक है, ये उसको उतारना नहीं साइड से, उसी पे क्या करें, आप लीव लें, लीव का उसका जो पूरा साइड है उसको कवर कर दे. किसके साथ, आपको टेप चाहिए होगी, ठीक है, ब्लैक कलर की जो इंसुलेशन टेप होती है ना वो आपने टेप लेनी है, सीजर लेनी है, ठीक है, और एक प्लांट लेना है. आपने क्या करना है, प्लांट के जो लीव्स हैं, दो लीव ले ले, तीन के ऊपर आप बेशक कर ले, आपने क्या करना है, सीजर्स के साथ इंसुलेशन टेप को कट करना है और फिर उसको पूरे लीव के ऊपर कवर कर देना है, कि पूरा जो लीव है प्लांट का उसको टेप के साथ आपने कवर कर देना है. इसमें हमने चेक क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस तरह से प्लांट्स के अंदर होती है और किस तरह से जो सनलाइट है वो लीव्स को ग्रीन रखने में हेल्प आउट करती है, ठीक है. अगर सनलाइट लीव्स के ऊपर पड़ रही है तो वो ग्रीन रहेंगे, अगर सनलाइट उस लीव के ऊपर नहीं पड़ेगी तो वो ग्रीन कलर उसका नहीं रहेगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. हमने यही देखना है. आपने क्या करना है, आपने लीव लिए, लीव प्लांट है ये, ठीक है, प्लांट के लीव्स को आपने क्या करना है, साइड से आप उसके ऊपर जो टेप है वो लगा दें, ब्लैक वाली टेप, ठीक है, और उसको कवर कर दें. कवर करने के बाद आप उसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें. कुछ दिनों के बाद आप क्या करें, आप वो जो इंसुलेशन टेप है वो ऊपर से लीव के ऊपर से उतार लें, ठीक है. आप देखेंगे कि जो लीव पहले ग्रीन था, इसका कलर ग्रीन था, वो बाद में क्या हो गया है, ब्राउन कलर का हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ रही और सनलाइट ना पड़ने की वजह से उसका कलर जो है वो क्या हो गया है, ब्राउन हो गया, क्योंकि उसके अंदर की फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी. तो अगर आप पूरे लीव को कवर नहीं करना चाहते, आप बेशक थोड़ा कर लें, उसके ऊपर इंसुलेशन टेप जो है उसको स्टार्स की फॉर्म में काट लें,
सर्कल्स की फॉर्म में काटने, फिर उस लीव के ऊपर, आधे लीव के ऊपर बेशक लगा दे रखते, जितने हिस्से पे आपने लगाया होगा आप देखेंगे कि बाकी का हिस्सा जो लीव का है वो ग्रीन है, लेकिन जिस हिस्से के ऊपर आपने इंसुलेशन टेप लगाई होगी वो ब्राउन हो गया होगा। यही वजह है कि वहां पर इंसुलेशन टेप की वजह से क्या हुआ है, सनलाइट नहीं पड़ रही, और सनलाइट के ना पड़ने की वजह से क्या हो गया, लीव का कलर ग्रीन से ब्राउन हो गया है। फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर है सनलाइट प्लांट लेते हैं, वो सनलाइट उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपने क्या करना है, घर में ये एक्टिविटी जरूर करनी है, ठीक है, लीव लेके प्लांट एक लें उसके साथ, और इसके अलावा जो मैंने आपको आज कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ाया है ये भी आप अच्छी तरह से इसको रीड आउट करें, पढ़ें, और एक्टिविटी जो है उसको जरूर करें, और फिर मुझे बताएं बाद में रिजल्ट्स कुछ दिनों के बाद किस तरह से रिजल्ट जो है वो आए हैं। कल हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।